तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू भरता। आलू भरता के लिए मैंने क्या किया, आलू बॉईल कर लिया है। ये जो सूखी मिर्च होता है साबुत वाला, उसको मैंने फ्राई कर लिया तेल में। प्याज फ्राई कर लिया मैंने, और नमक स्वाद अनुसार। और मैं एक चीज़ और बनाने जा रहा हूँ, दाल भरता। दाल जिसे कहते हैं, जो मलका का दाल होता है ना, मैंने कुकर में डाल दिया उसको बॉयल होने के लिए, और इसके साथ उसको बनाऊंगा मैं। कैसे बनाऊंगा आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों वो जो दाल भरता होगा ना, उसके लिए जो मैंने प्याज चॉप कर लिया था, अब मैं मिर्च जलाऊंगा। दोस्तों ये दाल बॉयल हो गया, मैं इसके अंदर डाल दूंगा जो बारीक प्याज कट काट के रखा था मैंने चॉप करके। मिर्च जला के मैंने डाला मैंने इसके अंदर, सरसों का तेल भी थोड़ा सा दिया था मैंने इसके अंदर, स्वाद अनुसार नमक, और ये मैंने दाल इसके अंदर डाल दी। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगा। दोस्तों अब मैं आलू भरता बनाऊंगा, उसके लिए जो ये फ्राई कर लिया था मैंने ना, ये साबुत मिर्च को, उसको मैं छोटा छोटा से नाखूनों से तोड़ रहा हूँ धीरे धीरे करके। ये हो चुका है बिल्कुल धीरे 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 धीरे। देखिए ये हो गया, अब मैं आलू भरता बना लूँगा। दोस्तों ये ना आलू भरता और दाल भरता और गरम गरम राइस देसी घी के साथ हम लोग खाते हैं, और जैसे बंगाल में आप लोग जानते हो शायद, एक पांथा भात बहुत फेमस है, उस तरीके से ना ये सिद्धो भात भी बहुत फेमस है। जब नॉनवेज से और सब्जी खाने से जब दिल भर जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, तब हम लोग ये बना के खाते हैं। इसको कहते हैं दाल सिद्धो आलू सिद्धो भात, ये बहुत फेमस है बंगाली में। दोस्तों ये तैयार हो गया, इसे कहते हैं आलू भरता। और मैंने कुकर पे ना अंडा बॉईल करने के लिए दे दिया है, ये सीटी बैठते ही मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों देखो मैंने बताया था ना आपको, देखो तैयार हो गया है आलू भरता, दाल भरता, बॉयल अंडा, गर्मा गर्म राइस, और ये देसी घी, ये बहुत फेमस है हमारे वहाँ। मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे पांताबाद फेमस है बंगाली में, उस तरीके से ये भी है। जब सब्जी और नॉनवेज खाने से दिल भर जाता है, उसके बाद हम लोग ये खाते हैं। आप भी बना के खा के देखिए, बहुत मजा आएगा।